वेलकम टू 99 वर्ल्ड। स्क्रीन पर दिख रहे सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ 99 रुपीस में। हेड ऑफिस नियामत कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार हैदराबाद। फ्रेंचाइज के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की शहीद मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए जल्द संग बुनियाद रखने का वादा किया था। ताहम आज तक इस जिमन में सीएम केसीआर की जानिब से कोई पेशरफ्त ना होने पर टीजेएसई ने सेक्रेटेरिएट की शहीद मस्जिद की जगह पर नमाज जोहर की अदायगी के लिए कॉल दी थी, जिसके मद्देनज़र पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम करते हुए सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्तों पर पिकेट्स कायम किए गए थे। ताहम टीजेएसई, डीजेएस, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल व दीगर मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान, नौजवानान और ख़वातीन ने जब सेक्रेटेरिएट की सिमत जाने की कोशिश की, तब पुलिस ने उन्हें मुख्तलिफ रास्तों पर ही जबरन रोक लिया। इस दौरान तंजीमों के जिम्मेदारान ने दफ्तर जीएचएमसी के करीब सड़क पर ही नमाज अदा की और मसाजिद के दोबारा तामीर के लिए खुसूसी दुआ की। जिम्मेदारान ने रियासती वज़ीर आला से मसाजिद की फौरी तामीर करवाने का पुरजोर मुतालबा किया। बर्बाद फरमा, हम ये जिद्दोजहद मसाजिद में नमाज के क़याम पर जारी रखेंगे। हौसला अता फरमा, क़ुव्वत और ताकत अता फरमा। आज 24 जनवरी अने जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से हम लोग मस्जिद सेक्रेटेरिएट के पास नमाज अदा करने के लिए निकले थे। टैंक बैंड के पास जितने हमारे साथी हैं, हम सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये नारायणगुड़ा पीएस में लाकर हमको बिठा दिया गया है। ये केसीआर का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया।